नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ERSKB टेक्निकल को आप सभी लोग को स्वागत है। यदि मेरे चैनल पे आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बटन है उसको प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिना देरी न करते हुए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदगी को एंजॉय करिए, उसके साथ साथ बी स्किल एंड बी सक्सेसफुल बनिए। आज का जो टॉपिक है ऑयल सील डिटेल्स। ये ऑयल सील डिटेल्स है, पहले तो हमारा ऑयल सील नंबर होना चाहिए, ऑयल सील मटेरियल होना चाहिए, कौन सी मटेरियल में ऑयल सील बना हुआ, उसका नंबर क्या क्या है, उसका कैसे देखते हैं, ऑयल सील फेलियर क्यों हो जाता है, जब हम ऑयल सील को लगाते हैं उसमें फेलियर हो जाता तब लीकेज होता है गियर में, पंप में, ऑयल सील में क्या क्या कंपोनेंट है, आज वही चीज़ सब डिस्कस करेंगे। आइए पहले देखते हैं ऑयल सील। ऑयल सील को शाफ्ट सील भी हम लोग बोलते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, गियर में और पंप में यूज होता, बेयरिंग हजी में यूज होता, जैसे जो गियर के अंदर जो ऑयल है वो लीकेज न हो, इसे लीकेज प्रोटेक्शन के लिए ऑयल सील को यूज करते हैं, तो ये ऑयल सील शाफ्ट सील भी बोला जाता है। रीजन ऑफ लीकेज, क्यों लीकेज होता है, एक्चुअली इसीलिए होता है, ऑयल सील कट जाता है, प्रॉपर फिटिंग नहीं होता है, इसीलिए रीजन ऑफ लीकेज डिस्कशन करेंगे। इसमें जो आउटडोर चीज़ है वो मेटल केस में बेयरिंग का चीन लगता है, इसलिए वो लीकेज होता है। मटेरियल ऑफ ऑयल सील किस मटेरियल में बना हुआ वो भी डिस्कशन। ये जो देख पा रहे हैं ये ऑयल सील का जो आउटर पर्सन है और ये जो है वर्म गियर का इसमें है रहता है, ये पंप है, ये सारे चीज़ इसमें यूज होता है। मटेरियल ऑफ ऑयल सील कौन सा मटेरियल में बना हुआ ऑयल सील है और कंपोनेंट्स ऑफ ऑयल सील, ऑयल सील के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे उसमें कौन सी चीज़ है, इसमें स्लीव है, स्प्रिंग है, आउटर है, आईडी है, ये सब हम आज इसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। ये अच्छा चीज़ हो सकता है, आपको ये चीज़ जानकारी बहुत काम में आएगा, आप जो जहाँ पे भी काम करते हो। आइए एक एक चीज़ डिस्कशन करेंगे। ये जो देख पा रहे हैं ऑयल सील है, लेकिन ये ऑयल सील में कुछ नंबरिंग रहता है, कहीं कहीं नंबर में नहीं रहता, लेकिन आप जो देख पा रहे हैं ये जो एरो देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ कुछ गेप में ऑयल सील का नंबर रहता है, ठीक है। मान के चलिए ये जो देख पा रहे हैं 42, 72, 80 ये ऑयल सील का नंबर है, यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ, लेकिन ये है क्या, 42 है क्या, 72 है क्या, 8 किया है, तो आपको मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा, लेकिन ये जो मटेरियल है कौन सी मटेरियल बना हुआ ये सब बताएंगे। ये जो देख पा रहे हैं ये जो 42 है, ये 42 जो है इसका ऑयल सील का जिसको बोलते हैं आईडी बोलते हैं, जो इसमें आईडी है वो क्या होता है शाफ्ट के ऊपर रहता, उसको लीकेज को रोकता, और ये 72 है ये ओडी है जिसको बोलते हैं ऑयल सील का आउटडोर डाया, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं ये जो आउटडोर डाया दोनों साइड से ये क्या होता है बेयरिंग होजिंग उसके ऊपर लगा रहता, उसको क्या होता है शाफ्ट के ऊपर रहता, ये लीकेज को रोकता, ठीक है। और ये जो 72 है इसका आउटडोर डाया है, क्लियर है। ये जो देख पा रहे हैं ऑयल सील का 8 नंबर है, इसका थिकनेस है, ठीक है। ये थिकनेस क्या है, इसमें 8 नंबर है, ऑयल सील का कितने नंबर थिकनेस है, ऑयल सील मटेरियल किस में बना हुआ, ये जो ऑयल सील है बेसिकली कौन सा मटेरियल में बना हुआ, आप लोग जानते हैं ऑयल सील पंप में गियर में यूज होता है, इसमें नाइट्राइल में मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन में यूज होता है, बिटकॉन में यूज होता है। ज़्यादातर जो बिटकॉइन है इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री से ऊपर है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर में गियर में जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है गियर में, उस केस में नाइट्राइल मटेरियल में जो ऑयल सील यूज होता है, ये उसके बाद जो मीडियम है वो सिलिकॉन मटेरियल में यूज होता है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ऑयल सील कंपोनेंट्स, ऑयल सील के अंदर कौन सी कंपोनेंट है, जैसे ये भी जान लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे बेसिकली जो कंपोनेंट है वो मेटल केस रहता है, ये जो मेटल केस है इसके जो आउटर साइड में बेयरिंग हाउसिंग में ये सेट होके शाफ्ट को सील को क्लोज करके रखता है। नेक्स्ट है सील लीप, आप जो देख रहे हैं इनर डाया में शाफ्ट के पास में इसको बोलते हैं लीप, ये वो क्या करता है शाफ्ट को क्लोज करके रखता है, जिसके वजह से ऑयल लीकेज शाफ्ट होते हुए नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद आइए नेक्स्ट है स्प्रिंग। इसमें देखिए लीफ और मेटल के बीच में एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग क्या करता है, उसके प्रेशर आ के क्रिएट करता है, जिसके क्या होता है शाफ्ट के ऊपर प्रेशराइज करता है, जिसके वजह से ऑयल लीकेज करने नहीं देता। नेक्स्ट आइए इसका रीजन ऑफ फेलियर का हम डिस्कशन, क्यों ऑयल सेल फेलियर हो जाता है। बेसिकली तीन चार चीज़ इसमें डिपेंड करता है। ऑयल सेल ज़्यादातर क्या कि फेलियर होता है गियर में, जिस टाइम में हम यूज़ करते हैं इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली क्या होता पहले डिस्कशन करते हैं, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल सील इन गियर बॉक्स, गियर एंड ऑल्सो पंप। इसमें यदि हम ज़बरदस्ती करेंगे ऑयल सील को प्रेशराइज करके हम बैठाएंगे बेरिंग हजिंग में शाफ्ट के साथ, उसमें क्या होगा, उसका स्प्रिंग लूज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वहाँ पे लीकेज होने का चांस है, फेलोर होने का चांस है। नेक्स्ट जो है शाफ्ट डैमेज है, उसमें यदि हम उसको ऑयल सील को प्रॉपर से हम जो शाफ्ट में जो सीट है वहाँ पे देख के यदि प्रॉपर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे उसमें क्या होगा, वो काट देगा, काट देगा तो क्या होगा, उसमें ऑयल लीकेज होने का चांस है। नेक्स्ट है ब्रीदर चोकिंग। ये क्या है, जिस टाइम में पंप में गियर में दोनों साइड में ब्रीदर रहता है, वो यदि चॉक हो जाता है जिस टाइम में गियर बॉक्स चलता है, उसमें क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर बनाता है, प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, ऑयल सील का गर्म होकर उसको भी डैमेज करने का चांस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो है, यदि ऑयल सील का घटिया ऑयल सील आप खरीद लेंगे, इनमें इंस्टॉल कर देंगे, पोअर क्वालिटी ऑफ ऑयल सील है। यदि हम यदि सही ऑयल सील यदि हमारा पंप में या गियर में यूज नहीं करेंगे, मान लीजिए हार्ड यूज कर ली, हार्ड यूज कर देख क्या होगा, हार्ड होगा तो क्या होगा, जिस टाइम में हम प्रेशराइज करके साफ सीट बैठाएंगे उसमें क्या, हार्ड धीरे धीरे प्रेशराइज होकर ऑयल सील को काट देगा। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ऑयल सील जो है सॉफ्ट वाला ऑयल सील यूज करते हैं, और नाइट्रिल मटेरियल में जो बना हुआ ऑयल सील हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये जो चार कारण हैं, चार रीजन है, इसी रीजन्स के से हमारा क्या होता है, ऑयल सील फेल्योर हो जाता है। आई होप ये जो ऑयल सील कहाँ यूज होता है, कौन सा मेटेरियल यूज होता है, रीजन ऑफ फेल्योर का कंसेप्ट जो है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को ERSKV टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मैकेनिकल का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैकेनिकल के रिलेटेड एक वीडियो लेके आपके पास जरूर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।